हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं जतिन जतिन टेक्निकल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। तो गाइस, इस वीडियो में आपको एक टू इन वन टॉर्च बना के दिखाऊंगा, जो जिसमें पावर बैंक भी होगा और वो रिचार्जेबल भी होगी। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं छोटे से इंट्रो के बाद। बनाने के लिए आपको एक एलईडी चाहिए। आप कोई भी एलईडी यूज़ कर सकते हो। 3.7 वोल्ट से प्लेट होती है और इसकी बहुत ही अच्छी ब्राइटनेस है। आप बटन एलईडी भी यूज़ कर सकते हो। और इस पावर बैंक मॉड्यूल का, जो कि 1 एम्पियर का है, आप कोई भी मॉड्यूल यूज़ कर सकते हो। 2 रिचार्जेबल बैटरी इसका, जो मैं मोबाइल की बैटरी यूज़ कर सकता हूँ। आप लिथियम आयन बैटरी भी यूज़ कर सकते हो। एक स्विच का, जो कि मैं ये वाला स्लाइडर, आप कोई भी स्विच यूज़ कर सकते हो। कुछ कार्डबोर्ड के पीसेस का, जिन पर मैंने पावर बैंक के हिसाब से कटिंग कर लिया, स्विच के हिसाब से कटिंग कर लिया और यहाँ पे क्लिक होल्ड कर दिया, जहाँ पे हम एलईडी के वायर्स निकालेंगे। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैंने बैटरी को कनेक्ट कर लिया और अभी मैं इसके पैलेट कनेक्शन करूँगा। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसका प्लस के साथ प्लस और माइनस का माइनस कनेक्ट कर दूंगा, जिससे इसके वोल्टेज सेम रहेंगे और एम्पियर डबल हो जाएंगे। फ्रेंड्स, मैंने कार्डबोर्ड के पीस को चिपका दिया, इस कार्डबोर्ड के पीस के ऊपर इस बैटरी को चिपका दिया। अब फ्रेंड्स, हम पावर बैंक के कनेक्शन करेंगे। पावर बैंक के कनेक्शन प्लस के साथ प्लस और माइनस के साथ माइनस होंगे। फ्रेंड्स, मैंने पावर बैंक मॉड्यूल का कनेक्शन कर लिया है। अभी हम इस कार्डबोर्ड पीस को लेंगे और इसके ऊपर हम इस स्विच को फिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स, मैंने फिक्स कर लिया इसको, देख सकते हो आप, कुछ इस तरह से दिखेगा। इसके बाद ये जो एलईडी है, इसको भी हम फिक्स कर लेंगे। ये जो मैंने वायर्स के होल किए हैं, यहाँ से वायर्स को निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, मैंने एलईडी को फिक्स कर लिया। अब हम इसके भी कनेक्शन कर लेंगे। जो स्विच की एक वायर है, वो हम एलईडी की एक वायर के साथ कनेक्ट कर देंगे, जो कि मैं पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। और ये जो स्विच की दूसरी वायर, वो सीधे डायरेक्ट मैं बैटरी के पॉजिटिव में दे दूँगा। और ये जो बैटरी का माइनस वायर है, सॉरी, ये जो बैटरी का माइनस वायर है वो मैं एलईडी के माइनस के साथ कनेक्ट कर दूंगा। इसके बाद हम इसको टेस्ट करेंगे एक बार। फ्रेंड्स, ये मैं स्विच ऑन करूंगा और यहाँ से एलईडी ग्लो करेगी। देख सकते हो आपकी ये एलईडी ग्लो कर चुकी है। इसका मतलब हमारा सर्किट ओके है। तो हम सर्किट के ऊपर जो टेप कर देंगे और उसके बाद इस बॉक्स को हम कंप्लीट कर देंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मैंने पूरे सर्किट को टेप कर दिया है। अब हम इसका बॉक्स कंप्लीट कर देंगे। गाइस, मैंने इसका बॉक्स रेडी कर लिया पूरा और आप देख सकते हो कि ये पोर्टेबल है और ये पॉकेट में भी आ जाएगा आसानी से। आप अपने हिसाब से कोई भी साइज का बना सकते हो। इसका स्विच है, ये एलईडी और ये पावर बैंक मॉड्यूल, यहाँ से आप अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हो और इस टॉर्च को भी। और ये मैंने इस सुपर ग्लू की हेल्प से किया। तो चलिए अभी इसकी टेस्टिंग करते हैं। तो मैं अभी इसका स्विच ऑन करूँगा। देख सकते हो कि इसकी कितनी अच्छी ब्राइटनेस है, देख सकते हो। मैं अभी लाइट ऑफ करता हूँ, देख सकते हो आप इसकी कितनी अच्छी ब्राइटनेस है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहो तो आप इस तरह से कोई एलईडी बल्ब को पीछे से काट के इसको भी इस तरह से लगा सकते हो इसके ऊपर। मैं भी आपको इसको लगा के दिखाता हूँ। सो गाइस, आप देख सकते हो मैंने इसको यहाँ पे ऐसे सेट कर लिया। तो मैं आपको इसे ऑन करके दिखाता हूँ। देख सकते हो कि इस तरह से ये एक जगह ही फोकस करेगी लाइट, इससे भी अच्छी हो जाएगी। मैं फिर से आपको लाइट ऑफ करके दिखाता हूँ। देख सकते हो, इससे भी अच्छी ब्राइटनेस है। अगर आप ये मत लगाओ फिर भी अच्छी ब्राइटनेस होगी। देख सकते हो आप, ये मैंने हटा दिया, ये लगा लिया, दोनों तरह से अच्छी होगी। देख सकते हो कि मैं इसको टेस्ट, ये इसको फिर से लगा रहा हूँ, इसको लगा रहा हूँ मैं इसको। तो अगर आप इसको लगाओगे तो ये एक ही जगह फोकस करेगी लाइट। अगर आप इसको नहीं लगाते हो तब भी अच्छी तरह से वर्क करेगा। सो गाइस, अगर आप चाहो तो आप इसको लगा सकते हो। माफ कर देता हूँ इसको। अगर आप चाहो तो आप इसको लगा सकते हो, अगर आप मत चाहो तो मत लगाओ।
तो फ्रेंड्स अभी मैं आपको इसे चार्ज करके दिखाता हूँ। सो गाइस आप देख सकते हो कि मैंने चार्जर पिन लगा दिया, मोबाइल के चार्जर लगाया मैं इसको, और आप देख सकते हो कि लाइट ब्लिंक कर रही हेलो। है, देख सकते हो आप। इसका मतलब ये चार्जर जब ये फुल चार्ज हो जाएगी तो लाइट ब्लिंक नहीं करेगी, सिर्फ ये लाइट ग्लो करेगी, ब्लिंक नहीं करेगी। तो मैं अभी आपको इससे मोबाइल भी चार्ज करके दिखाऊंगा। ये मेरी जो मैंने टॉर्च बनाई है वो है, और ये मोबाइल फोन और ये केबल है, तो मैं अभी आपको लगा के दिखाता हूँ। मैं लगा दी मोबाइल में, और अभी जैसे ही मैं इसमें लगाऊंगा तो मोबाइल ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, ये देख सकते हो आप। देखिए फ्रेंड्स ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा और ये मोबाइल चार्ज भी हो रहा है, वो देखिए। और फ्रेंड्स ये पावर बैंक मॉड्यूल में भी, हमारे पावर बैंक में भी एलईडी ग्लो करेगी। तो फ्रेंड्स ये इसका जो पावर बैंक है वो भी बड़ी अच्छे से वर्क कर रहा है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, और मुझे कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको कोई सजेशन देना वीडियो के बारे में तो आप वो भी दे सकते हो। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, गुड बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।